प्यारे छात्रों नमस्कार। मधुबन यह पाठ अनुराग वर्मा जी ने लिखा है। अनुराग वर्मा जी राजकुमार वर्मा जी के घर मुलाकात यानी साक्षात्कार लेने के लिए जा रहे थे। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उन्हें मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करते का यह मेरा पहला ही अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचार का द्वार उठने लगा। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उन साहित्य के मनुष्य का, आदि इन तमाम उठते हुए विचारों से उनके दिमाग में घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और डॉक्टर रामकुमार वर्मा आ रहे ये कहा। इतने में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी आ गए और इन्हें अनुराग जी से पूछा, अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है उनसे आपके महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, उन्हीं की जानकारी हेतु मैं आपके मधुबन इस मकान में आ गया। आप प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे ज्ञान हुआ? संदर्भ में मैं कोई ऐसा प्रसंग बताइए जिसके आप जीवन के अंतरंग पहलुओं से महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। उन्होंने उत्तर दिया, पहले तो मेरे मन में समाज के अंधश्रद्धा के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में पारिवारिक सामाजिक व्यवस्थाओं से संघर्ष करते हुए बांध लिया।